फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि कम व्हाट मे का क्या इस्तेमाल है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब कम व्हाट मे का यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, व्हाट कम व्हाट मे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो, चाहे जो कुछ भी हो या चाहे जो कुछ भी हो जाए। जैसे फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे आई कम टू मीट यू। यानी चाहे जो कुछ भी हो या चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसके लिए हम फेज वर्ड कम व्हाट मे का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, फेज वर्ड कम व्हाट मे का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे आई विल नॉट टॉक टू यू। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे आई हेल्प यू। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो मैं यह एग्जाम पास करूंगा, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे आई पास दिस एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो मैं एक मर्सिडीज खरीदूंगा, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे आई बाय अ मर्सिडीज। अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे आई नॉट टेल अ लाई। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो जाए वह मुझ पर यकीन नहीं करेगी, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे सी विल नॉट बिलीव मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सरकारी नौकरी पाऊंगा, तो आप कहेंगे कम व्हाट मे आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह कंसेप्ट आप समझे कि जब कभी भी आपको कहना हो चाहे जो कुछ भी हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो के लिए आप कम व्हाट मे का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस लेसन को आप शानदार तरीके से समझे तो क्या इस टॉपिक पर 3 sentences आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 3 sentences आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही यूज किया या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।